विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूर्यमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय और 14वां श्लोक चल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यज्ञ के लाभ, यज्ञ किस प्रकार हमें सुख संपत्ति देता है, हमारे जीवन को उज्जवल कैसे बनाता है यज्ञ रूप प्रभो भाव हमारे उज्ज्वल कीजिए, ऐसे भी प्रार्थना बनी हुई है। तो यहाँ अगर हम आर्य समाज में जाए तो आर्य समाज में यज्ञ की रोज प्रार्थना होती है। यज्ञशाला में जाते हैं और रोज वहां प्रार्थना करते हैं। और वैदिक धर्म में यज्ञ को मुख्य कहा है कर्म। जो कर्म मनुष्य को दिया है उसमें से मुख्य कर्म है यज्ञ। इसलिए यहाँ पहले भी कहा है जो सुख चाहिए वो यज्ञ देगा। हमारे उल्लासनगर के गुरुजी थे कि जिनके जीवन में यज्ञ का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने जीवन में कितने यज्ञ कराए, 12 ज्योतिर्लिंगों में यज्ञ कराए। और आज हमने ये भी देखा है कि उनकी जीवनी और वहां उनके जीवन में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था कितनी पूर्ण थी। गुरु जी के आश्रम में साक्षात लक्ष्मी निवास करती, वहां किसी बात की कमी नहीं। जब गुरु जी रहे देखा हमने कि साक्षात लक्ष्मी वास करती है वहां। और गुरु जी के सेवक इतने समर्पित भाव से है कि जो गुरु जी कहेंगे वही होता है, जैसा कहेंगे वैसा होता है। तो ये शक्ति कहाँ से आई, जिन्होंने पहले जीवन में अनेक यज्ञ किए उस यज्ञ के तप से ही उनको ये सब भौतिक भी और मोक्ष का सुख भी वो प्राप्त हुआ। तो यहाँ गीता में, भगवत गीता में यही कहते हैं कि मनुष्य यज्ञ से ही बनता है, मनुष्य की उत्पत्ति यज्ञ से ही होती है। अगर ये यज्ञ नहीं होते तो किसी को अन्न भी नहीं मिलता, और अन्न नहीं मिलता तो किसी का शरीर बनता ही नहीं। रोज लोग जो भी मांस भक्षण करने वाले हैं उनको कहो कि रोज खाए, खा नहीं पाएंगे, उनको अन्न की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ उस यज्ञ के बारे में कहते हैं कि वो यज्ञ कितना जीवन में महत्वपूर्ण है। हम केवल आग जलाना ही यज्ञ समझते हैं, अग्नि को जलना हुआ अगर समझते हैं तो गलत है, क्योंकि अग्नि तो घर में भी होती है। कोई कोई लोग बुद्धिजीवी बोलते हैं कि यज्ञ की क्या जरूरत है, हम तो अपने घर में ही चूल्हा जलाएंगे। और वैसे ही अगर प्रकृति की शुद्धि की बात है तो घर में चूल्हा जलाओ और उसमें से आहुतियां डालते रहो,
प्रकृति तो शुद्ध होती रही, ये भी उनका तर्क ठीक है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम जो आहुतियां देते हैं, हम कैसी आहुति देते हैं। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम है ना अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः, ऐसा कहते हैं। इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। तो इस तरह हम आहुतियां देते हैं, तो जो हमको आवश्यकता है उसी आवश्यकता अनुसार हम आहुतियों को देते हैं, देवताओं का आह्वान करते हैं, और जो सुख चाहिए उस सुख की प्राप्ति करते हैं। यज्ञ नहीं होता तो महाभारत भी नहीं होता, यज्ञ नहीं होता तो रामायण भी नहीं होता। अब कैसे कहेंगे कि ये यज्ञ के कारण ही रामायण हुआ और यज्ञ के कारण ही महाभारत हुआ, कैसे? राम जी आए तो कैसे आए? पहले दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद राम जी वहां है। अगर यज्ञ ही नहीं कराते तो राम जी आते ही नहीं, और राम जी नहीं आते तो इतना बड़ा रामायण भी नहीं होता। जो रामायण का आनंद लेते हैं, जितने भक्त बने हैं राम जी के, कितने उपासक बने हैं आज, कितने संत हुए हैं इस धरती पे राम जी की उपासना करते, तो उतने संत भी नहीं होते। महाभारत जीवन देखो कि यज्ञ नहीं है तो राम का जीवन भी नहीं है, राम जी का चरित्र भी नहीं। राम जी का जैसे चरित्र होता है तो वैसे घर घर में वो चरित्र बन रहा है, क्योंकि हम आदर्श सबसे ज्यादा परिवार में राम जी को लेते हैं कि भाई राम जी जैसा जीवन होना चाहिए, राम जी जैसा भाई होना चाहिए, राम जी जैसी माता होनी चाहिए। राम जी जैसी माता है वैसे राम जी की भी वैसी ही माता होनी, घर में जो जो राम जी के यहाँ पार्ट बने हैं वो सब वैसे वैसे हर घर में होना चाहिए, ऐसे सोचते हैं। तो ये अगर राम एक नहीं होते तो क्या होता? बहुत सारे लोग जो है जीने का ढंग बदल देते, उनको पता ही नहीं चलता कि कैसी किसकी जीवन रही। हम चरित्र के माध्यम से अपने जीवन को उतारते हैं, अपने जीवन में चरित्र उतारते, तभी हमारा जीवन दिव्य बनता है। तो वो राम जी का जीवन अपनाते हैं तो हमारा जीवन धन्य बनता है, हमें कीर्ति मिलती है राम जी के जीवन जीने से, कीर्ति प्राप्त होती। तो ऐसा जीवन कहाँ कैसे मिला? एक कैसे बोले रामायण हुआ, फिर महाभारत, तो महाभारत भी किसी से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ? महाभारत का बीजारोपण कहाँ हुआ? जब युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं और जुए में हार जाते हैं, तब तक भी उनके अंदर वो लालसा नहीं है किसी बात की भी, गया तो गया। लेकिन जब वो लास्ट में द्रौपदी को जुए में लगाते हैं और हार जाते हैं और द्रौपदी का अपमान हो जाता है, और उस अपमान की भड़क इतनी भड़क जाती है, इतनी आग फैलती है कि वो युद्ध के लिए विवश हो जाता है, कि इसने जो बर्ताव किया द्रौपदी के साथ वो ठीक नहीं। फिर द्रौपदी ने भी बाद में कहा था, इंद्रप्रस्थ जब देखने आया दुर्योधन, कि अंधे के पुत्र भी अंधे ही होते हैं, जब दुर्योधन गिर गया तो ये निमित्त तो कौन बना? द्रौपदी।
अब ये द्रौपदी कहाँ से आई? द्रुपद राजा ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से द्रौपदी, द्रुपद की जो लड़की है द्रौपदी, वो यज्ञ से हुई। अगर वो यज्ञ नहीं होता और उसमें से द्रौपदी नहीं निकलती तो वो महाभारत भी नहीं। तो इतना इस यज्ञ का महत्व है कि इसने इस सृष्टि की रचना की। आज यज्ञ नहीं होता तो माता पार्वती का जन्म भी नहीं होता। माता पार्वती नहीं आती तो भगवान कार्तिक की भी जन्म नहीं होता, जो हमारे निरंजनी आंकड़े के देवता है, ना? गणेश जी जो विघ्न हरता है, उनकी उनका भी अवतरण नहीं होता। दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में माता सती स्वाहा हो गई और उसके निमित्त से असुरों को मारना पड़ा तो शिव जी का विवाह हो गया। अगर दक्ष प्रजापति यज्ञ नहीं करता, यज्ञ का आयोजन ही नहीं करता तो क्या होता? वो इतना शिव पुराण भी नहीं लिखा जाता। तो यज्ञ पूर्ण रूप से आधार है, जीवन का आधार ही यज्ञ है। इसलिए कर्म में पहले सबसे कह दिया यज्ञ, क्योंकि जीवन उसी से बनता है। कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञ प्रतिष्ठितम्। नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्, उस यज्ञ को नित्य करना चाहिए, क्योंकि वो यज्ञ अन्न को उत्पन्न करना और अन्न सब भूतों को उत्पन्न करने वाला। अन्नात भवंती भूतानि, अन्न से सब भूत जितने भी है, अन्न जहां जलचर भूचर स्थलचर जो भी है, जहां से अंकुरित होता है हर एक कार्य, पशु के लिए भी अन्न हो जाता है ना, जंगल में घास निकलता है उनके लिए, किसके कारण? के कारण। कैसे बोलते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से सब भूतों का जीवन बन जाता है। और अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्यात् अन्न संभव, वृष्टि हो जाती है तो अन्न प्राप्त हो जाता है। तो वृष्टि कहाँ से आती है? यज्ञात् भवति पर्जन्य, वृष्टि जो होती है वो यज्ञ से होती है। तो इसलिए ये यज्ञ कर्म समुद्भवम्, इसलिए वो यज्ञ करना जरूरी है। जीवन को, तुमने जीवन में बहुत पैसा कमाया और बहुत सुख सुविधा प्राप्त किया, लेकिन अन्न ही नहीं है। आज जो लोगों आज खेती को करना ही नहीं चाहता, सब शहर की तरफ भाग रहे हैं, खेती बेच बेच के नौकरियां कर रहे हैं। वैसे तो किसी ने कहा है, उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और निकृष्ट नौकरी, गुलामी है ना, तो सब लोग उसकी तरफ भाग रहे। अगर ईमानदारी से खेती करते तो खेती में मेहनत लगती, और अगर फसल कम आते तो सोचते भाई फसल क्यों कम आ रही है, इसका कारण क्या है? तो वृष्टि नहीं हो रही है। अच्छा, खेती रखते तो पशुओं को भी रखते बहुत सारे, क्योंकि पहले लोग जिसके पास खेती थी उसके पास पशु बहुत थे। पहले जमाने में
उसकी संपत्ति नापी जाती थी, कितने बैल है, बोले 12 बैल वाला आदमी, 12 जोड़ी वाला आदमी, इसका मतलब उसके पास खेत बहुत है, तो इसके कारण उसको बहुत बड़ा माना जाता है। आजकल पहले देखता है कि लड़के के पास नौकरी है, खेती है, अरे खेती वाला नहीं चाहिए, नौकरी वाला चाहिए। लेकिन जीवन हमारा जिससे बनता है वो हम सोचते ही नहीं कि खेती कितनी मूल्यवान है, पशु कितने मूल्यवान है। आज किसी को असली घी नहीं मिलता खाने, कंपनियों के ऊपर विश्वास रख के खाते हैं और दुनिया भर की चर्बी बढ़ जाती है, और उसी घी से यकीन करते हैं। अरे भाई ब्राह्मण कहता है कि घी अगर गाय घर में होगी, 9 लाख गाय थी नंद बाबा के यहाँ, कोई किसी बात की कमी नहीं, हर एक घर में 2-4 गाय रहती ही थी, बाकी दुनियादारी कुछ नहीं होती थी। पशुपालन और सत्व दूध के सिवा कुछ खाते ही नहीं, सब्जियां कम और दूध में रोटी ज्यादा खाते थे। तो ये सब जो है प्रथा बंद होने के कारण ही ये आरोग्यहीन हो गए, और बचपन से ही चश्मे लगने लगे, बचपन से ही डायबिटीज होने लगी, और बचपन से ही अनेक अनेक प्रकार के रोग निकलने लगे। अब उस शरीर का आनंद ही नहीं है, केवल बैठने के लिए आराम कुर्सी है, सोने के लिए बढ़िया मुलायम गद्दा है, लेकिन नींद नहीं आती, घूमने के लिए बड़े बड़े मर्सिडीज है, लेकिन वो शरीर तंदुरुस्त नहीं, गाड़ी में भी 4 बार गोली खानी पड़ती है। तो ऐसा जीवन हमने क्यों बनाया, क्यों बना, इस यज्ञ का अभाव से। अगर हमारे जीवन में यज्ञ का अभाव रहा तो ये जितना भी संसार है, एक समय ऐसा आएगा जहां अन्न नहीं, अभी जैसे प्लास्टिक के बोलते हैं कि चावल निकल रहे हैं, वैसे गाय जैसे पन्नियां खा के जी रहे हैं, वैसे लोग जो है बर्गर इधर उधर का खा खा के जिएंगे, ऐसे ही नकली अन्न निकलेगा और ऐसे ही नकली खा के जिएंगे, असली चीज पता ही नहीं चलेगी। और इसलिए उसके कारण कुपोषण शरीर में फैल जाएगा, इसलिए कहते ना कलयुग में वर्णन किया कि 6 साल की नारी गर्भिणी होगी, 6 साल की लड़की गर्भवती रहेगी बोलते, और 1.5 फीट के लोग रहेंगे। तो ये क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारा खान पान ठीक नहीं, तुमने संस्कृति को पूरा बदल दिया है, इतने शॉर्टकट जीना जी रहे हैं, मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता, बना बनाया मिल जाए, यही इसी के ऊपर पड़े हुए हैं। और यह परंपरा को छोड़ेंगे, कर्म हमने अपने कर्म को छोड़ दिया, हमारे कर्म वो नहीं थे जो केवल खिलौने, हमें हम असली
रिकॉर्डिंग चली रही। तो यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात यज्ञ संभव, पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो इस तरह ये यज्ञ कर्म हमारा जो दिया हुआ है वो अति श्रेष्ठ कर्म है, उसमें स्वयं का भी फायदा और दूसरे का भी फायदा है। स्वयं भी पवित्र हो जाता है और दूसरे को भी पवित्र करता है। तो यहाँ जो यज्ञ करता है उसमें पुरोहित भी चाहिए और सामग्री भी चाहिए, और वो कर्म ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला भी चाहिए। तो आगे कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। वो कर्म जो हम कर रहे हैं वो कर्म स्वयं भगवान के श्वास से जो वेद निकले हुए हैं उस वेदों से निकला हुआ जो है यज्ञ। और ये वेद कहाँ से निकले? भगवान स्वयं परमात्मा से अनादि है। वेद किसी ने लिखे हुए तो है नहीं कि भाई हाँ इसने जो है ये अपना इतिहास लिखा दिया, अपना अपने कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ करना इनका धंधा ही था तो इन्होंने यज्ञ को बढ़ावा दे दिया। नहीं, भगवान तो यहाँ तो उपनिषदों में केवल ना मूर्ति पूजा है ना और कोई दूसरा कुछ कार्य, केवल ये यज्ञ की ही विधि बताई हुई है कि किस तरह तुमको तप करना है, उपासना करनी है, यज्ञ करने हैं, यही बताया सब। तो ये ब्रह्म अक्षर यज्ञ क्या है? एक ब्रह्म अक्षर है जो हम आहुतियां देती है, वो वेदों की ऋचाओं से आहुति देते हैं, वेदों के मंत्र है ये सब। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिचन यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु का समय देवा हविषा विदेव। ये उस ब्रह्म के लिए है कि मैं इसके लिए कुछ मैं करता नहीं हूं, मैं इसको क्या दे सकता हूँ, ये सब प्राणों को देने वाला है। या प्राण तो निमिषतो महित्वे कहित, इस सब कुछ देने वाला है तो हम इसको क्या देंगे। तो यज्ञ यज्ञ कोई साधारण नहीं है क्योंकि यज्ञ हमको सब कुछ देने वाला है। तो हम सोचेंगे कि हमको गाय पालना है इसके लिए और इसके लिए सामग्री इकट्ठी करनी है, इसको संविधा बनाना है, तो ये तो हमको उसने दिया हुआ है सब। हमको खाली वो तैयार करना है, कर्म करने। और पहले भी कहा था कि वही अपने आप तो तैयार नहीं होगा, तुमको हाथ पाँव मिलाने पड़ेगा, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ कर न करने की अपेक्षा ये करना है ठीक है, जो जिससे सृष्टि में जो है योगदान मिले वही कर्म करो जो सृष्टि में तुम्हारा योगदान रहे, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे, सृष्टि में उपद्रव न हो, इसके लिए ये कर्म दिया हुआ है। और उसको अपने अहंकार से युक्त होकर या स्वतः अहमपन का अहमता से करता हूं, मैं करता हूं करके नहीं, मैं एक ब्रह्म का कार्य करता हूं। और ये कर्म ब्रह्मोद्भवम वेद से उत्पन्न हुआ है और उसकी विद्धि वो अक्षर से है, अक्षर ब्रह्म है। वेदों से जो उत्पन्न हुआ, वेदों में क्या है? अक्षर है, और अक्षर से ही ये है ना, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमानि आसन्न, ना
जग्गे न जग्गे मैया, वहां से धर्म की उत्पत्ति होती है। ये नाक महिमा नहा सचंत्र चत्र पूर्व वे साध्या संति देवा। ये सब हमें उज्जवल बनाने वाला, देवता हमको सुख देने वाले, यज्ञ के माध्यम से संति देवा, सब के सब देवता हमें हाथ फैला के दे देते। यज्ञ एक बटन है, जो दबा वो देवता हमको वो दे। तो ये वो अक्षय रूपी बटन, इंद्र को मांगो, अग्नि देवता को मांगो, वायु वरुण देवता को मांगो, वायु देवता को मांगो, क्या चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा उस अक्षर के माध्यम से। अग्ने नये सुपता राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान विधेम। उस यज्ञ देवताओं की स्तुति है, अग्नि नये सुपता राय अस्मान, हमारे भाव को उज्ज्वल करो, हमें अच्छा मार्ग दिखाओ। जो यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित होती है, उस एक प्रज्वलित अग्नि से हम प्रार्थना करते, अग्नि ने सुपता राय, हमें अच्छे मार्ग पे लेके चलो। आसमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, जो परम पिता है, हम उस परम पिता को प्राप्त करें। जो विद्वान उस परम पिता के मार्ग पे चलते हैं, वही हम मार्ग पकड़े, ऐसी हम प्रार्थना करते अग्नि को। कोई ना व्यूस्म जीवरान में नुष्टान मुक्ति में, तो ऐसी प्रार्थना करके हम उस ब्रह्म अक्षर के माध्यम से उस ब्रह्म को, तस्मा सर्वतम ब्रह्म, उसको समझते हैं, उसकी स्तुति करके चित्त शुद्ध करके, फिर तस्मा सर्वगतम ब्रह्म, सब ब्रह्म सर्ववैगुं स्वाहा, ऐसे बोलते सबकी। फिर बाद में ये खटावती देती, सबको दे दिया सर्ववैगुं स्वाहा, सबके लिए प्रार्थना भी सबके लिए करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यह गया तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठिता, उस नित्य यज्ञ में वो ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वो नित्य ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित, इसलिए हमको नित्य यज्ञ करेंगे तो नित्य ब्रह्म की प्राप्ति होगी, नित्य ब्रह्म का अनुभव होगा, नित्य साक्षात्कार होगा, और उस साक्षात्कार से हम अग्निमय हो जाएंगे, अग्नि रूप हो जाएंगे। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्व देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातम, इसलिए काशे वस्त्र का अग्नि रूप हो जाता है, मतलब ज्ञान रूप हो जाता है। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञान अग्नि ही, ज्ञान क्या है अग्नि का रूप, और वही यज्ञ से अग्नि, यज्ञ ब्रह्म है शब्द अक्षर ब्रह्म, तो उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे कर्म का, हमारे जो दूषित कर्म का नाश हो जाएगा, और हमारे सत्कर्म हमको प्राप्त होके ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो ये यज्ञ के बारे में यहाँ भगवद गीता में भगवान कहते हैं, आगे सृष्टि चक्र कैसा है और आत्मज्ञानी के कर्तव्य क्या है, ये समझाते हैं, वो हम कल देखेंगे, आज यही समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।